Hello student, today we see the concept of stability and types of systems. Okay, so see the first, that is concept of stability. Okay, see, in this, stability is an important characteristics of any control system, which implies that small change in the system input, the initial conditions or in a system parameters do not result in large change in a system output. Okay, stability क्या है आपका, जो भी control system है उसमें से क्या है important characteristics है, वो क्या indicate करता है, which implies that small change in the system input, means अगर system input में small change अगर हो गया तो क्या होगा, जो भी आपकी इनिशियल कंडीशन है और सिस्टम पैरामीटर्स है डू नॉट रिजल्ट्स इन लार्ज चेंज इन सिस्टम आउटपुट. ओके, मींस जो भी इनिशियल कंडीशन या फिर सिस्टम पैरामीटर्स से अपने आउटपुट सिस्टम आउटपुट में उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है. ओके, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी. जैसे कि अभी ये जो डायग्राम में दिखाया, देखो ये क्या है, स्टेबल है, मीन्स यहाँ से ये जो भी अपना सिस्टम है वो क्या हो रहा है, स्टेबल है. अभी ये क्या है, क्रिटिकली स्टेबल. ओके, ये क्रिटिकली स्टेबल मीन्स ये जो सिस्टम है आपकी क्या हो रही है, क्रिटिकली स्टेबल है. यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल, मीन्स यहाँ से सिस्टम क्या हो रही है, अनस्टेबल है. ओके, ये डायग्राम में इंडिकेट करता है. तो ये है आपकी कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी. कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी में क्या होता है, जो भी अपना इनपुट है, ओके, अगर इनपुट सिस्टम में स्मॉल चेंज हो गया है तो आपके जो आउटपुट सिस्टम है उसके जो पैरामीटर्स या फिर इनिशियल कंडीशन है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है. ओके, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, सी द नेक्स्ट, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, दैट इज़ द स्टेबल सिस्टम एंड अनस्टेबल सिस्टम. ओके, दो टाइप है अपने सिस्टम के, दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल. देन सी वन बाय वन, द फर्स्ट वन इट इज द स्टेबल सिस्टम. ओके, अभी स्टेबल सिस्टम में क्या होता है वो देखो, इट इज डिफाइंड एज अ लीनियर टाइम linear time invariant system which satisfies the following conditions. Okay, ये जो system है वो कैसी होती है, linear time invariant system होती है और दो conditions जो है वो satisfy करती है. तो first condition है, देखो क्या है, if the system is excited by bonded input and its output is also bonded. म्हणजे means क्या होता है, अगर आपका जो system है इनपुट अगर बाउंडेड है तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, बाउंडेड होगा. ओके, तो बाउंडेड जो इनपुट है तो आउटपुट भी बाउंडेड रहेगा. सेकंड कंडीशन देखो क्या है, निग्लेक्टिंग इनिशियल कंडीशन द सिस्टम आउटपुट मस्ट बी जीरो व्हेन देयर इज नो इनपुट. मीन्स हम इनिशियल कंडीशन कब निग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर सिस्टम आउटपुट क्या होगा, मस्ट बी जीरो रहेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, इनिशियल कंडीशन निग्लेक्ट कर सकते हो और आपका इनपुट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा. ओके, तो ये दो कंडीशंस हैं जो कि आपकी स्टेबल सिस्टम क्या करती है, फॉलो करती है. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल इफ इट्स आउटपुट इज अंडर कंट्रोल. मीन्स क्या होगा, इस सिस्टम कब स्टेबल होगी, जब आपका आउटपुट जो है वो अंडर मीन्स अपने कंट्रोल में रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट, द सिस्टम स्टेबल सिस्टम सेटिस्फाइज द BIBO बॉन्डेड इनपुट फॉर बॉन्डेड आउटपुट कंडीशन. ओके, स्टेबल सिस्टम जो है वो क्या सेटिस्फाई करती है, बॉन्डेड इनपुट फॉर बॉन्डेड आउटपुट. नेक्स्ट है, देखो, इफ ऑल द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाई ऑन अ लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन एंड हैव अ निगेटिव रियल पार्ट देन द सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम. ओके, ये जो है अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर उसके रूट्स जो है, जो हम लोग प्रॉब्लम में निकालते हैं, देखो रूट्स, तो वो अगर लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन
में अगर रहेंगे और निगेटिव रियल पार्ट में रहेंगे तो वो जो सिस्टम है वो क्या रहेगी, स्टेबल सिस्टम रहेगी। ओके अभी ये डायग्राम में देखो क्या दिया है, अभी फर्स्ट लिखा है लीनियर है, बाद में क्या होगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट होगा। ओके तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्डेड इनपुट, और यहाँ से यहाँ तक के क्या रहेगा, दैट इज़ द बॉन्डेड रिस्पॉन्स। ओके सो इन दिस वे दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेबल सिस्टम। देन सी द नेक्स्ट, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ रूट्स इन एस प्लेन फॉर द स्टेबल सिस्टम। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे आपके रियल है, ओके वाई एक्सिस पे इमेजिनरी है। अभी यहाँ पे क्या है, फॉर स्टेबल सिस्टम यहाँ पे आपके रूट जो लोकेशंस है वो ड्रॉ किए जाते हैं। अभी ये किस में है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। अभी मैंने जो पॉइंट्स बताया था लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, निगेटिव रियल पार्ट, यहाँ पे निगेटिव रियल पार्ट में है, तो वो सिस्टम क्या रहेगी, दैट इज़ द स्टेबल सिस्टम। ओके सो सी द नेक्स्ट, दैट इज़ द अनस्टेबल सिस्टम। अभी अनस्टेबल सिस्टम में फर्स्ट देखो क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज कॉल्ड एज द अनस्टेबल सिस्टम इफ़। इसमें भी दो कंडीशंस है, ये भी क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ओके सो फर्स्ट कंडीशन देखो, इट प्रोड्यूस इनफाइनाइट और अनबॉन्डेड आउटपुट फॉर बॉन्डेड इनपुट एज अ टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके अभी ये क्या करता है, इनफाइनाइट प्रोड्यूस करता है, और इनफाइनाइट और अनबॉन्डेड आउटपुट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कब, जब अपना बॉन्डेड इनपुट रहेगा एज अ टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स तब अपना टाइम क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। ओके सेकेंड कंडीशन क्या है, इट प्रोड्यूसेस सम आउटपुट विदाउट एनी सिग्नल एट द इनपुट, मीन्स हम लोगों ने कुछ भी इनपुट में नहीं दिया फिर भी वो क्या देता है, सम आउटपुट प्रोड्यूस करता है, कौन, अनस्टेबल सिस्टम। ओके ये दोनों कंडीशंस हैं। नेक्स्ट में देखो, एनी वन रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाई ऑन अ राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, मीन्स ये अभी जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट जो है अनस्टेबल सिस्टम के, वो कहाँ पे रहते हैं, राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन हैव अ पॉजिटिव रियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओके यहाँ पे जो है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन रहेंगे रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पॉजिटिव रियल पार्ट में रहेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अनस्टेबल सिस्टम। ओके अभी डायग्राम में देखो ये क्या है आपका, बॉन्डेड इनपुट है जो भी हमने स्टेबल सिस्टम में देखा था। अभी एक्स्ट्रा पार्ट क्या है यहाँ पे, दैट इज़ द स्टेडी स्टेट आउटपुट, दैट इज़ अनबॉन्डेड। ओके यहाँ पे दो क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट भी है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, वो अनबॉन्डेड है, मीन्स वो चेंज हो रहा है। ओके सो दिस इज़ द अनस्टेबल सिस्टम। देन दिस वन इज़ द लोकेशन ऑफ रूट्स इन एस प्लेन, क्या है, कहाँ पे है, दैट इज़ द एस प्लेन में है, लेकिन कहाँ पे है, रूट लोकेशंस फॉर अनस्टेबल सिस्टम। अभी ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट है, और राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन है। ओके सो दिस इज़ द अनस्टेबल सिस्टम, लोकेशन ऑफ रूट्स इन एस प्लेन फॉर अनस्टेबल सिस्टम। ओके सो इन दिस वे दिस इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड द टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके थैंक यू।